एंड वेलकम एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज अवर लीड जनरेशन एंड सीआरएम। लीड जनरेशन एंड सीआरएम में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे ऑनलाइन तरीकों का यूज़ करके लीड्स जनरेट की जाए। लीड्स का मतलब होता है कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन, कस्टमर का नेम, फ़ोन नंबर, इसको बोलते हैं लीड। तो आगे चल करके आप डिजिटल मार्केटिंग में कई बार ये वर्ड सुनेंगे लीड्स। लीड्स का मतलब होता है कस्टमर का नेम, फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी, ये सब मिल जाए, इसको बोलते हैं लीड। अब ये जो डिटेल हमें मिल जाती है कस्टमर की नेम, फ़ोन नंबर, इसका हम करेंगे क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई स्कूल है वो ये चाहते हैं कि हमारे आसपास के 10 किलोमीटर्स तक में जितने भी पेरेंट्स हैं, जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं, उनके हमें किसी भी तरीके से नेम, फ़ोन नंबर मिल जाए पेरेंट्स के, तो वो उन पेरेंट्स को फिर अपने स्कूल में विजिट करने के लिए बुलाएंगे, पेरेंट्स को SMS भेजेंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, उन्हीं में से कुछ पेरेंट्स एट द एंड आकर के एडमिशन भी ले लेंगे। तो लीड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बिजनेस के लिए। कस्टमर्स का डेटा मिल जाने के बाद वो फिर उनसे अप्रोच की जा सकती है, उनसे बात की जा सकती है। अब जब आप लीड्स जनरेट करेंगे तो आपके पास धीमे धीमे काफ़ी सारा डेटा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपने 2000 लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया। अब उन 2000 लोगों को कॉल करना है, SMS करना है, व्हाट्सएप करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे डैशबोर्ड की जहाँ से आप उन चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो जैसे 2000 लोगों में से मान लेते हैं कॉल किया गया और 100 लोगों ने कहा कि मुझे आप 10 दिन बाद कॉल करना, या 50 लोगों का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ था, तो ये सब एक जगह पे कहीं पे लिखा जाता है कि इस पर्सन ने कहा है कि कॉल मत करना, इसने कहा है कि मैंने कहीं और एडमिशन ले लिया, इसने कहा कि 10 दिन बाद कॉल करना, इसने कहा कि इसका मोबाइल स्विच ऑफ था। तो वो सब डेटा जहाँ पे मैनेज किया जाता है उसको बोलते हैं CRM। ये एक तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे Salesforce का CRM होता है, Zoho का होता है, Google में भी हम लोग बना लेते हैं अपना CRM। तो वो CRM में पूरा डेटा वगैरह मैनेज किया जाता है कि किससे क्या बात हुई, किसने क्या कहा, ये सब चीज़ों को मैनेज करना बोलते हैं CRM। ओके, एक्सेल शीट में होते हैं, कई तो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें कि फीचर होता है कि डेटा होगा, डेटा के सामने लिखा होगा कॉल, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, ईमेल पे क्लिक करोगे उसके बाद एक ईमेल चला जाएगा, SMS पे क्लिक करोगे उसके बाद SMS चला जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं CRM। ओके, सो ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन एंड CRM। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ तक आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, फिर मैं अभी 1-2 मिनट्स में स्टार्ट करता हूँ। ऑल राइट, सो ये नोट कर लिया ना सभी लोगों ने? हाँ, अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। अनुरोध, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, मेरी स्क्रीन वैसे बाकी लोगों को विजिबल है, तो आप देखिए उसमें टैब मेरे वाले को तो नहीं कर रखा है आपने, क्या बोलते हैं उसको, पिन। बाकी लोगों को विजिबल है, कन्फर्म करें एक दो लोग। अली, हाँ बिल्कुल, सब स्मूथ चल रहा है। ओके, सो लीड्स का मतलब आप समझ गए। अब बात आती है लीड्स आएंगी कैसे, कैसे कस्टमर का डेटाबेस मिलेगा। बिजनेस कोई भी हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट और ब्यूटी पार्लर, या कोई भी बिजनेस हो सकता है सैलून वगैरह का, तो उसके लिए लीड्स कैसे जनरेट होंगी। लीड्स हम लोग जनरेट करेंगे ऑनलाइन तरीक़ों से, तो उसके लिए कई तरीके होते हैं, जैसे कि इंटरनेट पर हम लोग सोशल मीडिया वाले तरीक़ों से लीड जनरेट कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब से हम लोग लीड्स जनरेट कर सकते हैं, गूगल से हम लोग लीड्स जनरेट कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं जिनमें कि एडवर्टीजमेंट्स रन करना, डिस्प्ले एड रन करना, तो अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम लोग लीड्स जनरेट करेंगे। लीड्स जनरेट करने के लिए आप एक वर्ड और सुनेंगे आगे चल करके, लीड मैग्नेट। तो पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ लीड मैग्नेट। तो लीड्स कहाँ से आएंगे उसके कई तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन इन तरीक़ों से हम लोग लीड्स जनरेट करेंगे। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे चल करके लीड मैग्नेट की। तो लीड मैग्नेट क्या होता है, ये हमारा अगला वर्ल्ड, इसको आप लोग गौर से सुनिएगा। लीड मैग्नेट, कोई भी पर्सन आपको अपना नेम, फ़ोन नंबर देने के बदले वो कुछ एक्सपेक्ट करेगा, ऐसे ही रैंडम कोई अपना नेम, फ़ोन नंबर आपको नहीं दे देगा। तो उसके लिए हमें बनाने होते हैं लीड मैग्नेट। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ।
जैसे मान लेते हैं कि मुझे कॉलेज के लिए लीड जनरेट करना है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी कॉलेज ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने डिसाइड नहीं किया कि कौन से कॉलेज में जाएं, किसी को बीबीए करना है तो वो अपना गूगल पे जाके सर्च करेगा बेस्ट बीबीए कॉलेज इन कानपुर या बेस्ट बीबीए कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया या नोएडा गुड़गांव, जहाँ भी उसको बीबीए करना है। तो यहाँ पे जब वो सर्च करता है गूगल में इस तरीके से कीवर्ड्स, तो कई कॉलेजेस के नाम आएंगे, जैसे एलेन हाउस का नाम आया, ये सब नाम आए यहाँ पर। और कौन सा कॉलेज अच्छा है, वैसे हर कॉलेज अपने आप को तो अच्छा बताएगा ही बताएगा, तो कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो दूसरे कॉलेजेस के बारे में बताती हैं। जैसे एक वेबसाइट है career360.com, इस वेबसाइट पर जाकर के कोई भी चेक कर सकता है कि कौन से कॉलेज की रेटिंग्स रिव्यूज़ कैसी है। यहाँ पे जैसे मैंने CSJMU के बारे में पढ़ा, PSIT के बारे में पढ़ा, V6 एक कॉलेज उसके बारे में पता चला, PPN कॉलेज के बारे में पता चला, और हर कॉलेज के साथ साथ ये भी लिखा कि आप इसका ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ब्राउज़र है इसको डाउनलोड स्टूडेंट करने के लिए जब क्लिक करेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे नेम फ़ोन नंबर वगैरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैंने ब्राउज़र डाउनलोड पर क्लिक किया और कोर्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया, ये मैंने सिलेक्ट किया, डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा। एक्चुअली मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन है तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। जो पर्सन फर्स्ट टाइम आएगा वो जब ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेगा तो ये उससे उसका नेम फ़ोन नंबर यहीं पर ले लेते हैं। तो इनके लिए लीड मैग्नेट क्या था, नेम, ईमेल, मोबाइल, फ़ोन नंबर, और ये डेटा ये कॉलेज वालों को सेल कर देते हैं। तो इनके लिए लीड मैग्नेट था ये ब्राउज़र। तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि एक ब्राउज़र है जो कि डाउनलोड ब्राउज़र का मतलब वही है, कॉलेज के बारे में लिखा होगा, अब स्टूडेंट उस कॉलेज के बारे में जानने के लिए उनका ब्राउज़र डाउनलोड करता है, तो वो डाउनलोड करने के बदले यहाँ पर उसको अपना डेटा देना होगा। हाँ डाउनलोड तो हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मैं इसे इन्फॉर्मेशन फिल करूँगा ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये जो डेटा इनके पास आ गया करियर 360 के बाद, अब इसके बाद पता है क्या होगा, करियर 360 वाले क्या करेंगे, ये जो डेटा इनके पास आता रहता होगा डेली कम से कम 100, 200, 500, 1000 लोगों का डेटा आ रहा है, अब ये डेटा इन कॉलेज वालों को सेल कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं PSIT कानपुर मेरी बात हुई थी करियर 360 वालों से ही, तो ये एक डील दे रहे थे कि हम आपको 7000 स्टूडेंट्स का डेटा देंगे जो कि जिन्होंने इसी साल BBA करने के लिए, MBA करने के लिए हमारी वेबसाइट पर आकर के फॉर्म फिल किया है, और इसके बदले पता है कितना चार्ज करते हैं, कोई गेस कर सकता है कि 7000 बच्चों का नाम, नंबर और उनके सिटी ये सब देने के लिए ये लोग कितना चार्ज करते होंगे। ये लोग काफ़ी बड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं, ये अगर 10 रुपये भी चार्ज करेंगे तो भी 70,000 रुपीज़ होगा। ये लगभग 100 रुपये पर कैंडिडेट का चार्ज करते हैं, जो कि लगभग 7 लाख रुपीज़ ये एक्सपेक्ट करते हैं एक कॉलेज से कि आप हमें 7 लाख रुपीज़ दीजिए तो उसके बदले हम आपको 7000-8000 बच्चों का डेटा प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, और ये सिर्फ एक ही कॉलेज को नहीं, कई कॉलेज को देते हैं। इससे कॉलेज को क्या फ़ायदा मिलेगा, कॉलेज को ये लगता है कि 7000 ऐसे स्टूडेंट्स का मुझे डेटा मिल जाएगा जिन्होंने, जिनको इस साल BBA MBA करना है, और 7000 में से मुश्किल से अगर 5 एडमिशन भी हमारे कॉलेज में हो जाते हैं तो उन 5 बच्चों से कॉलेज अगले 2-3 साल में 7 लाख रुपए से ज़्यादा की अर्निंग कर लेगा। तो ऑब्वियसली कर लेगा, जैसे मान लेते हैं MBA में कोई आता है 1 लाख फीस है, 5 एडमिशन भी हो गए तो एक की बच्चा उनको 2 साल में लगभग 2-3 लाख दे के जाएगा, तो 5 बच्चों भी जो है उनको 10-15 लाख रुपये की अर्निंग करा देंगे। तो कॉलेज 7 लाख रुपये दे करके उसको 7000 बच्चों का डेटाबेस मिल जाता है, बात समझे। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं लीड मैग्नेट। तो ये जो कंपनीज है ना, जैसे करियर 360 एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। अगर आप इसके बारे में पता करेंगे तो जिस समय ये कंपनी स्टार्ट हुई थी उस समय जो प्रेसिडेंट थे इंडिया की प्रतिभा पाटिल, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। हाँ 2011 में आई थी, बिल्कुल सही बात है। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है करियर 360, और एक इनकी अपनी पुरानी लेगेसी है, जो कुछ तरीके के इवेंट्स वगैरह सब करवाते रहते हैं, तो एक बड़ी कंपनी है करियर 360। ऐसे ही और भी कंपनी है शिक्षा.com वगैरह। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीड मैग्नेट। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, लीड जनरेट करने के लिए आपके पास एक लीड मैग्नेट होना चाहिए। लीड मैग्नेट के एग्जांपल्स मैं और दिखाता हूँ, जैसे कि जो कार की कंपनीज हैं, जैसे आपने हो सकता है नाम सुना हो कार वाले या इस तरीके से जो कंपनीज हैं, ये कैसे लीड जनरेट करती हैं। मान लेते हैं मुझे कार खरीदना है, मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कार अंडर 10 लाख, इस तरीके से लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जिसको क्लियर नहीं होता है कौन सी कार ले तो लोग डिसीजन लेने से पहले इस तरीके से सर्च करते हैं। तो कई वेबसाइट्स ऊपर आ रही है, जैसे ये देखो एक वेबसाइट ऊपर आ रही है,
कारवाले.com। तो कारवाले.com अगेन एक काफ़ी बड़ी कंपनी स्टार्टअप है, लोग यहाँ पर आएंगे और देखेंगे अच्छा ये 10 लाख की है, ये 8.4 लाख की है, मारुति की ये कार 8.4 लाख की है, हिंडई वरना 9 लाख की है। तो मान लेते ये मुझे थोड़ा ठीक लगी, चलो इसको प्राइस देखते हैं अपनी सिटी में कानपुर में कितना प्राइस है। तो मैं यहाँ पे कानपुर लिखूँगा और कहाँ की कार मेरी, इसमें भी आई थिंक मेरा अच्छा अकाउंट लॉगिन है तो नहीं। अब देखो यहाँ पर इनका लीड मैग्नेट ये है कि ये यहाँ पर ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप इसको लेना चाहते हैं, वैसे तो 8.61 लाख की कानपुर में है इस समय ऑन रोड, लेकिन इसमें कुछ ऑफर भी चल रहा है, अगर आप ऑफ़र देखना चाहो तो उसके लिए आप अपना नेम और नंबर बताओ, हम आपको बताएंगे इसमें क्या ऑफ़र चल रहा है। तो इनका लीड मैग्नेट क्या है, ऑफ़र क्या है। अब जब इनके पास ये डेटा आ जाएगा तो उस डेटा के ये क्या करेंगे, उस डेटा को ये या तो खुद उस पर्सन से बोलेंगे कि आपको कार बाई करना है आप हमारे साथ चलिए, हम आपको कानपुर में इसे उससे कार दिलवा देंगे और उसके बदले उनको कुछ कमीशन मिलता है, या कई बार ये लोग इस डेटा को जो कार के डीलर्स होंगे कानपुर में, जो लोकल कार के वो बने हुए हैं डीलरशिप्स हैं, उनके यहाँ पे जा करके डेटा प्रोवाइड करा देंगे, वो लोग उनसे फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं कि आपने ऑनलाइन इंक्वायरी की थी कार के लिए, अगर आपको सरकार लेनी तो हमारे यहाँ आइए, इसको हम लोग बोलते हैं लीड। ओके, तो ये लीड मैग्नेट के एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्राउजर हो गया, ऑफर हो गया, ऐसे और भी कई तरीके के लीड मैग्नेट के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि कई लोग स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, कई कंसल्टेंसीज के बिजनेसेस होते हैं जिनमें कि कॉलेजेस पे करते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ किसी का एडमिशन करवाते हैं तो हम आपको हर एडमिशन में इतना इतना अमाउंट पे करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक स्कॉलरशिप ऑफर चलाते हैं कि इस कॉलेज में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 90% तक स्कॉलरशिप मिलेगी। आप लोग अक्सर देखते रहते होंगे आकाश वाले हैं, जैसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आकाश वाले, ये अक्सर स्कॉलरशिप चलाते हैं। तो इनके लिए लीड जनरेट करने का सबसे बड़ा तरीका यही है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इनके लिए एक बड़ा तरीका है लीड जनरेट करने का, इनका लीड मैग्नेट होता है स्कॉलरशिप, कि स्टूडेंट्स 90% तक के स्कॉलरशिप के लिए इनकी वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करता है, फिर ये एक छोटा सा टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं और जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट में पास होते हैं उनमें से किसी एक को स्कॉलरशिप दी जाती है। ओके, तो ये इनका लीड मैग्नेट हो गया। तो सबके अपने अपने लीड मैग्नेट हैं, तो लीड मैग्नेट आप लोग होपफुली समझ गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स लीड मैग्नेट के हम लोग समझते हैं, जैसे कि कोई ई बुक आप दे सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर फ्री में दे सकते हैं, कोई जैसे यहाँ पे ब्राउजर दे रहे थे, कोई रिपोर्ट दे सकते हैं, आप उनको एक्सेस दे सकते हैं किसी बुक का जो प्रीमियम बुक हो, कोई वेबिनार वगैरह लोग दे देते हैं। जैसे अगर आप देखोगे जो शेयर मार्केट में वर्क करते हैं, आने वाले दिनों पे आपको इसी तरीके क्लाइंट्स के लिए काम करना होगा। जैसे अगर आप एजुकेशन के लिए कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप वगैरह के लीड मैग्नेट बना सकते हैं, ब्राउजर वगैरह लीड मैग्नेट बना सकते हैं। कई लोग शेयर मार्केट के लिए, उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहें, तो उनके लिए वो लीड मैग्नेट बनाते हैं कि वो टिप्स देंगे कि शेयर मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करें फ्री ऑफ कॉस्ट, या वेबिनार करेंगे। तो इसका आई थिंक ऐड अगर देखते हैं चल रहा हो, जैसे स्टॉक बेनिफिट करके कोई कंपनी अगर मैं इसका ओपन करूँगा तो इनका लीड मैग्नेट एक तरीके से कोई फ्री ट्रायल दे रहे हैं यहाँ पर, और फ्री ट्रायल के लिए लोग यहाँ पर आकर के फॉर्म को फिल करेंगे। ये सबके अपने अपने लीड मैग्नेट हैं। ओके, ये लोग कोई PDF दे रहे हैं यहाँ पर, ये कि इस ई बुक को आप डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, इससे आप अपना स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में आपको एक आइडिया मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर अपनी कोई भी डिटेल फिल करूँगा और डाउनलोड PDF, तो डाउनलोड का ऑप्शन भी नहीं आया। जॉब के लिए जैसे इस तरीके लीड मैग्नेट दे सकते हैं, अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो भी लेटेस्ट जॉब है आपकी सिटी में नियर बाय में वो आपको पता चलेंगी। तो जो जॉब कंसल्टेंसीज हैं वो इस तरीके की लीड मैग्नेट बना सकती हैं कि इस ई बुक में इतनी सारी आपको वैकेंसीज पता चल जाएंगी। गॉट इट? तो इन सब चीज़ों को लोग बोलते हैं लीड मैग्नेट। तो लीड मैग्नेट हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी क्विक हो। क्विक का मतलब ये है कि लोग इंस्टेंट उसको एक्सेस कर सकें। जैसे यहाँ पर क्या था कि ई बुक मिलने वाली थी, हालांकि वो मिली नहीं, ये एक अच्छी बात नहीं वेबसाइट के लिए। जैसे कोई फॉर्म फिल करता है उसको ई बुक मिल जाएगी। तो लीड मैग्नेट ऐसा बनाइए जो बिल्कुल क्विक हो, जिसको लोगों को लगे कि हाँ इसको बस जैसे ही फॉर्म भरेंगे हमें तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। हाई वैल्यू हो, लोगों को लगना चाहिए कि इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ब्राउजर था या कोई ई बुक है, कोई ऐसा रिसोर्स है जो इजीली इंटरनेट पर अवेलेबल, उसको लगे कि नहीं है, इसको भी हम लोग बोलते हैं हाई वैल्यू। इंस्टेंटली एक्सेसिबल हो, उसको जैसे कोई फॉर्म फिल करे उसको तुरंत के तुरंत ये मिल जाए।
तो इस तरीके का हमें एक लीड मैग्नेट बनाना चाहिए। तो ये सभी लीड मैग्नेट के एग्जांपल्स थे, गॉट इट? तो ये सब आप नोट कर सकते हैं, लीड मैग्नेट के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। कोई ई बुक हो सकती है, कोई रिपोर्ट हो सकता है, कोई फ्री का वेबिनार हो सकता है, या कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये सभी चीज़ें आप एज अ लीड मैग्नेट दे सकते हैं। मैग्नेट का काम क्या होता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो लोग आपको अपना नेम नंबर तभी देंगे जब उनको कुछ ऐसा लीड मैग्नेट मिलेगा, गॉट इट अंकित? ओके, सो लीड मैग्नेट आपको बनाना होगा इस काम को करने से पहले। डॉक्टर के बड़ा अच्छा लीड मैग्नेट चलता है, जैसे कि अभी मुझे याद है एक मैन मेटर्स करके कंपनी है जो कि कई तरीके की चीज़ों को सेल करते हैं, जैसे किसी के हेयर फॉल हो रहे हैं तो उनके बारे में बताते हैं। इस तरीके से कई टाइप्स के प्रोडक्ट सेल करते हैं। इनका देखो कितना बेहतरीन लीड मैग्नेट है, ये इनकी कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा इनके देखो कस्टमर्स वगैरह भी हैं, कई तरीके के ये प्रोडक्ट्स देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, बुक फ्री डॉक्टर कंसल्टेंट। इस पर लोग क्लिक करते हैं, देखो कितना बेहतरीन है। मेनली ये कंपनी जो है वो कई तरीके के फेस वाश और इस तरीके के हेयर वगैरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनका तरीका ये, जैसे किसी का वेट ज़्यादा हो गया तो वेट लॉस के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ओके? तो आई वांट टू लूज वेट, ये इनका लीड मैग्नेट है। लीड मैग्नेट इनका बेसिकली क्या है कि आपको फ्री में एक डॉक्टर कंसल्टेंसी मिलेगी। डू यू रियली वांट टू क्यूट, ये जो लिखा हुआ फ्री डॉक्टर कंसल्ट, तो एक डॉक्टर होंगे जो आपको फ्री में कंसल्ट करेंगे। वो आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है, क्यों आपके कैसे वेट लॉस करें, कैसे एक्सरसाइज करें, डाइट में चेंज करें, वो आपको पूरा कंसल्टेंसी करके बताएंगे। और ये देखो प्रॉपर लिखते हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो अच्छी खासी एजुकेशन है वो बताएंगे। आई वांट टू क्लेम माय फ्री कंसल्टेंसी, वो फ्री में बताएंगे, इसीलिए तो नेम नंबर बताना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मैं ये सब पूछते चले जा रहे हैं कि क्या आप स्मोकिंग करते हैं, नहीं करते हैं, सब अपना बताते चले जाओ। अभी देखना वो नेम नंबर मांगेंगे, ठीक है, डॉक्टर हमारे अवेलेबल है, अगर आप बात करना चाहें तो अगले 3 से 5 मिनट में आपके पास मेरे डॉक्टर की कॉल आ जाएगी। अभी आ भी जाएगी, अगर मैं इनको नंबर फिल कर दूंगा तो आप देखोगे मेरे पास कॉल आ भी जाएगी, बड़े फास्ट होते हैं। और क्या लगता है कोई डॉक्टर कॉल करेंगे? हाँ, डॉक्टर ये कौन है? अभी देखना मेरे पास ये कॉल आएगी वेट लूज करने के लिए, और कुछ ही देर में ये कॉल करेंगे। अपॉइंटमेंट टाइम है मेरा 5:37 लिखा है, अभी 5-10 मिनट में ये कॉल आ जाएगी। तो ये है इनका लीड जनरेट करने का तरीका। कॉल पे वो दुनिया भर की कई बातें पूछेंगे कि आप क्या खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, कब जगते हैं, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, सब कुछ पूछने के बाद वो ये बताएंगे कि हमारा एक प्रोडक्ट है वेट लूज करने के लिए, इसको मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको आज से आप स्टार्ट करिए, और उसके बाद फिर अगली बार जब आप 1 महीने इसको यूज़ कर लेंगे तो मैं फिर से आपको पूरा एडवाइस करूँगा कि इसको यूज़ करें या ना करें। तो उसको उस समय हो सकता है लोग ना लें, फिर उसमें बोलेंगे कि आपको इसमें 10% ऑफ मिल रहा है, 20% ऑफ मिल रहा है, फिर वो डॉक्टर बार बार कॉल करेंगे। तो एक्चुअली वो कोई डॉक्टर नहीं होता है, वो नॉर्मल एक टेलीकॉलर का काम है जो कि किसी टेलीकॉलिंग कंपनी में होगी, उसका बस यही काम है कि दिन भर उसको नेम नंबर मिल जाते हैं और उसको डॉक्टर बन करके बात करना है, बात समझ रहे हैं? तो लोग डायरेक्ट इस प्रोडक्ट को हो सकता है ना बाई करें, लेकिन जब वो इस तरीके से कंसल्टेंसी और ये सब पूरा सिस्टम बनाया जाता है तब देखो बात वहाँ पर हो पाती है। जैसे मेरे पास कॉल आ भी गई है तो बता लूँ, सुना भी दें। हेलो, यस मैम बताइए। जी मैम फ्री हूँ मैं। यस मैम, ये एक्चुअली मैं अपने एल्डर ब्रदर के लिए देख रहा था वेट लॉस के लिए, तो मैं आपको या तो उनका नंबर दे देता हूँ, आप डायरेक्ट उनसे बात कर लीजिएगा, तो मैं उनसे बोल दूँगा आपको कॉल बैक कर लेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये बेसिक बात है, क्योंकि डॉक्टर थोड़ा होंगे, डॉक्टर कहाँ इतना फ्री होंगे। तो ये बेसिकली होता है, तो ये सब लीड जनरेट करने के तरीके, और सबसे रिजल्ट मिलता भी है। आप पीडीएफ, कौन सी पीडीएफ शेयर करना है? तो वापस से आते हैं टॉपिक पर। तो लीड जनरेट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री कंसल्टेंसी भी एक लीड जनरेशन का तरीका है यहाँ से, और लोग इस तरीके से कन्वर्ट भी होते हैं। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से मान के चलिए, कई बार आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिसको ये वेट लॉस का लेना होगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा, चाहे डॉक्टर कंसल्टेंसी करें, ऐसा नहीं होता है।
जिसको लेना होगा वो भी इसी प्रोसेस से ही लेगा, और जिसको नहीं भी लेना होगा वो भी कई बार कन्वर्ट हो जाता है। कार रेंटल के लिए भी हम लोग इसी तरीके से दे सकते हैं कि फ्री में आपकी कार का जो देखा जाएगा कि उसमें क्या कमियां हैं अभी के लिए, तो इस तरीके से कुछ उसमें दे सकते हैं अपनी चीज़ों को। तो ये नए नए हर एक बिजनेस में थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड लगा करके ये आइडियाज़ निकालने पड़ते हैं और उसी से फिर रिजल्ट्स आ पाते हैं। तो जैसे इसी कंपनी के प्रोडक्ट लोग हो सकते हैं डायरेक्ट ना बाई करें, लेकिन इस तरीके से लोग बाई कर लेते हैं। गॉट इट? तो अभी कोई क्वेश्चन ऑनलाइन पूछना चाह रहा था? नो क्वेश्चन। खैर अब लोग आगे आते हैं। तो लीड जनरेट करने का स्टेप नंबर वन है कि आप लीड मैग्नेट तैयार करिए। आप पहले रिसर्च करके सोच समझ करके एक अच्छा सा लीड मैग्नेट बनाइए। अब स्टेप नंबर टू पे आते हैं। चूज राइट प्लेटफॉर्म। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये आपका लीड मैग्नेट है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि लोगों तक कैसे रीच करना है, कैसे पहुंचना है। लोग अपना नाम नंबर ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले उनको पता तो चले कि आप ये सब करते भी हो। तो राइट प्लेटफॉर्म में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, मैन मेटर से स्टार्ट करते हैं। अब ये कंपनी ने अपना लीड मैग्नेट तैयार कर लिया कि ये इनकी वेबसाइट है, इसको अपना डिज़ाइन विजाइन कर लिया है। इस वेबसाइट पर इनका सबसे ऊपर लिखा हुआ है बुक फ्री डॉक्टर कंसल्टेंसी। लेकिन ये बात लोगों को पता कैसे चलेगी कि ये वेबसाइट वाले ये काम फ्री में करते हैं, डॉक्टर को कंसल्टेंसी फ्री में देते हैं? तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, इनका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं। तो प्लेटफॉर्म कई होंगे, फेसबुक हो है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, गूगल है, और डिस्प्ले ऐड है, ये सब हैं। तो इनका जो मेन प्लेटफॉर्म है वो है इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये लगातार एडवर्टीजमेंट्स रन करते हैं, और ख़ास करके तो इंस्टाग्राम पर, और साथ में फेसबुक पर भी रन करते हैं। अब ये बिजनेस पर डिपेंड करता है। जैसे इस टाइप के बिजनेस के लिए तो सबसे बढ़िया है फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह। यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये देखिए इनका एक फेसबुक पेज यहाँ पे बना हुआ है। इस फेसबुक पेज पर इनको इनका काम है बेसिकली ऐड रन करना। ये लगातार इस पर ऐड रन करते रहते हैं, और उस ऐड रन करने की वजह से इनको वहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है। फेसबुक पे ऐड जो होते हैं उनको रन करने के लिए रुपए देने पड़ते हैं फेसबुक को। तो फेसबुक क्या करता है, आपके ऐड को दूसरे लोगों के प्रोफाइल में दिखाएगा। जैसे मान लेते हैं ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, तो यहाँ पे मुझे MIT कॉलेज का ऐड दिख रहा है, ऐसे ही मुझे उस कंपनी का भी ऐड दिखेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर को टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को ऐड दिखाते हैं जिनको इन प्रोडक्ट्स की नीड होगी। अगर आपको कभी पता करना हो कि ये जो कंपनी है वो कौन से ऐड रन कर रही है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, तो उसका एक टूल आता है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे राइट प्लेटफॉर्म चूज़ करने की। तो पहला प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम। यहाँ पर आप ऐड भी रन कर सकते हैं। ऐड अगर चेक करना हो किसी कंपनी के, तो एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ऐड कैसे चलाया जाता है वो तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो एक तरीका है जो कि आप कर सकते हैं। ओके, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ पर ये पहला हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं। तो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो जो डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंसी इस तरीके के जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो इस काम को कर सकते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद आप जैसे मान लेते हैं किसी भी कंपनी का ऐड चेक करना, तो यहाँ पे उस कंपनी के नाम सर्च करिए। जैसे मान लेते हैं मुझे चेक करना है मैन मैटर्स करके जो कंपनी है, इसका एडवर्टीजमेंट, तो ये इसके फेसबुक और इंस्टाग्राम में पेजेस है। मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर कई एडवर्टीजमेंट्स ये लोग चला रहे हैं। ये सब ऐड रन होते हैं जो कि इनके फेसबुक और इंस्टाग्राम में लोगों को दिखते हैं, और सभी ऐड में मेनली यही लिखा होता है कि फ्री डॉक्टर कंसल्टेंसी। तो लोग यहाँ से क्लिक करके वहाँ पे अप्रोच करते हैं। इन सब चीज़ों से रिजल्ट्स आ भी जाते हैं। जैसे भी कुछ टाइम पहले ही अपने आगे कुछ स्टूडेंट एक कंपनी के लिए ऐड कर रहे थे गगन आयुर्वेद करके, और वो अभी भी बोलता रहता है। तो गगन आयुर्वेद करके बेसिकली जो कंपनी, इसका मेन ये काम यही है कि वेट लॉस के ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं मेनली, और इनका भी लीड जनरेशन का वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फेसबुक पर इन्होंने एक पेज अपना बनाया। अब इस पेज पे वो क्या करते हैं, ऐड रन कराते हैं। ऐड लोगों को दिखते हैं अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग जगहों पर,
एड में ये लिखा होता है कि वेट लॉस करने के जो टिप्स हैं उनको जानने के लिए आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, जो डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। और कई लोग यहाँ पर आते हैं, मैसेज करते हैं आकर के, ऐड रन होते हैं तो ऐड देख करके इस तरीके से ऐड लोग देखते हैं, क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं। वहाँ पर डायरेक्ट ये नहीं बताते कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, ये बताते हैं कि इसके लिए आप क्या करिए कि हमसे कंसल्टेंसी लीजिए, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको एडवाइस करेंगे कैसे कैसे वेट लॉस करना है, और उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट उनको बता देते हैं। तो ये सब बेसिकली एक पूरा फ्लो बना हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं लीड जनरेशन में, कि आपको सही प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। तो ये मैंने आपको बताया फेसबुक और इंस्टाग्राम का आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल बिजनेसेस के लिए या जो कंसल्टेंसी टाइप के बिजनेसेस हैं उनके लिए यूट्यूब काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है लीड जनरेट करने के लिए। तो जैसे मान लेते हैं किसी ने अपना लीड मैग्नेट बना लिया, कोई ई बुक या कोई ब्राउज़र है जो आपको मिलेगा और उसको जनरेट कर उसको डाउनलोड करने के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल से जैसे बताता हूँ, यूट्यूब पे जाकर के आप देखेंगे तो कई एजुकेशनल चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस कॉलेज में क्या डिटेल्स मिलती हैं, इस टाइप के जो चैनल्स होते हैं। जैसे अपने आगे एक कई स्टूडेंट इस कंपनी में काम कर रहे हैं, मेंटा करके ये एक यूट्यूब चैनल है, दा मेंटा या मेंटा करके नाम सुना है किसी ने? तो जैसे इसमें देखो 70,000 फॉलोवर्स हैं। तो इस चैनल में मेन जो इनका वर्क है वो ये है कि जैसे किसी को कॉलेज डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज लें, इंजीनियरिंग करने के लिए, BBA करने के लिए, MBA करने के लिए। अब स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कौन सा कॉलेज लें, तो ये क्या करते हैं अपने चैनल पर बताते हैं कि आप ये कॉलेज ले सकते हैं। अब अगर आपको बिल्कुल अपनी रैंक के हिसाब से जानना है, किसी के मार्क्स कम आए वो चाहता है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए ये एक ई बुक बनाते हैं। इस चैनल पे आप देखेंगे फ्री में ई बुक मिल दी जाती है। तो ये देखो यहाँ पे एक समाधान 2022 नाम से एक ई बुक इन्होंने बना रखी है। अब चैनल पे लोग आते हैं और इस तरीके की ई बुक जो है इनको डाउनलोड करते हैं। उस ई बुक में ये सब लिखा होता है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस तरीके से आप कम रैंक में भी अच्छा कॉलेज पा सकते हैं, कॉलेज के लिए आपको क्या प्रोसेस करना चाहिए, कैसे काउंसलिंग की जाती है, इस तरीके की बातचीत यहाँ पर लिखी होती है। तो इस ई बुक को डाउनलोड करने का यहीं कहीं पर लिंक होगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी अपनी बात यहाँ पर कॉमेंट कर रहे हैं और यही लोग जा करके इनकी ई बुक को डाउनलोड करते हैं। तो इनका लीड मैग्नेट का तरीका सिंपल सा यही है कि एक इन्होंने ई बुक बना रखी है, उस ई बुक को डाउनलोड करने के लिए लोग यहाँ पर आकर के फॉर्म फिल करते हैं। ई बुक का जैसे लिंक यहाँ से आई थिंक इन्होंने हटा लिया है, अदरवाइज यहीं पर ई बुक डाउनलोड करने का लिंक होता है, उस लिंक पर जाकर के स्टूडेंट्स ई बुक डाउनलोड करते हैं, वहाँ से इनको डेटा मिल जाता है। उस डेटा पर फिर ये क्या करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए जो फीस होती है वो चार्ज करते हैं, पर स्टूडेंट अपना ये इस बात की फ़ीस लेते हैं कि हम आपको बताएंगे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, उसके लिए हमारी ये फीस है। ये देखो ये यहाँ पर आ रही है, गेट समाधान ई बुक एंड डू योर ओन काउंसलिंग। तो ये जो पूरा फ्लो है कि यूट्यूब पे एक वीडियो होगा, उस वीडियो को देख करके लोग ई बुक डाउनलोड करेंगे, ये सब आपको बनाना पड़ता है। अभी जैसे ई बुक हटा ली गई है यहाँ से, पुराना वीडियो हो गया, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब इन सब चीज़ों में एक्टिव हो जाते हैं लोग। तो ये बेसिकली प्रोसेस है। तो यूट्यूब आपके लिए दूसरा एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है लीड जनरेट करने के लिए। वहाँ पर आपको लगातार कॉन्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा, यूट्यूब के वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे और वहाँ से आकर के लोग विजिट करेंगे। तीसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है गूगल। तो अभी जब मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था Career360 का या CarWale.com का, तो उनके पास तो 90% लीड्स गूगल से आती हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म में काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे चैनल बना लेंगे आपका वर्क हो जाएगा। जैसे सोशल मीडिया के लिए आपको ऐड बनाने पड़ेंगे, ग्राफिक्स बनाने पड़ेंगे, पेज मैनेज करना पड़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ेंगे। यूट्यूब के लिए आपका चैनल होगा, उसमें वीडियोज़ होंगे, कंटेंट होगा, मतलब डे बाई डे आपको काम करना पड़ेगा। गूगल के थ्रू क्या है कि गूगल पे अगर आपका नाम ऊपर आता है तो लीड जनरेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही माना जाता है। अगेन वही एग्जांपल है कि किसी स्टूडेंट को कॉलेज देना है तो गूगल पे आके सर्च करेगा बेस्ट BBA कॉलेज, और यहाँ पे कुछ तो एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं, ये सब तो जैसे एडवर्टीजमेंट्स हैं। उसके बाद ये जो वेबसाइट्स ऊपर आ रही हैं, जैसे ये सब वेबसाइट्स हैं, Career360, कॉलेज दुनिया, jolis.com, शिक्षा.com, इनमें लोग आकर के क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए लोग क्लिक करेंगे तो वो उनका डेटा मांग लेंगे। ओके,
तो गूगल भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा सोर्स है लीड जनरेट करने का, जिसके लिए आपको SEO करना पड़ेगा। तो हर एक बिजनेस के बाइस डिपेंड करता है बिजनेस किस टाइप का है, और सबके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? हाँ, वेबसाइट होना जरूरी है, गूगल पे अगर काम करना है तो वेबसाइट होना जरूरी है। तो ये बिजनेस वाइज डिपेंड करता है लीड्स कैसे जनरेट करना है। तो अगर आपसे कोई बोले कि मेरे लिए लीड्स जनरेट करना है, तो आप उसके बिजनेस को समझेंगे, उसके लिए फिर एक लीड मैग्नेट बनाएंगे कि ऐसा क्या बनाया जाए लीड मैग्नेट जो अट्रैक्टिव लगे, जिसको लोग आकर के फॉर्म वगैरह फिल करें। और उसके बाद फिर आप अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, अगला प्लेटफॉर्म है हमारा कोरा। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लीड जनरेट करने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म में कैसे लीड्स आती है मैं आपको बताता हूँ। एक जैसे अपने यहाँ के स्टूडेंट एक कंपनी में जॉब करता है, उस कंपनी के क्या नाम थे मैं बताता हूँ आपको। हेलो, हाँ वो जो PhD इसमें करवाते, जो कौन सी कंपनी थी, क्या का नाम उसका, W से है कि R से है? ठीक है, राइट क्लास को। तो ये जैसे कंपनी राइट क्राफ्ट पब्लिकेशन करके, इनका बेसिकली काम ये है कि ये जैसे किसी को PhD करना है, तो PhD करने के लिए जो तरीका होता है एजुकेशन वाला कि यूनिवर्सिटी में जाओ, इनरोलमेंट कराओ, वो पूरा एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके थ्रू लोग जा सकते हैं, लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। कई बार PhD में थीसिस बनानी पड़ती है, रिसर्च पेपर की जरूरत पड़ती है। तो ये सब कामों के लिए PhD में कहाँ से एडमिशन लें, किस तरीके से आप अपनी जॉब भी करते हैं और आपकी PhD भी हो जाए, कई लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की ये हेल्प करते हैं। राइट क्राफ्ट करके कंपनी है जिसमें कि इनका काम है कि आपको ये पूरी हेल्प करते हैं कि कैसे आप PhD कर सकते हैं। ओके, अब इनको भी क्या चाहिए, लीड्स चाहिए। इन्होंने आपको एक काम दिया कि हमें लीड्स जनरेट करना है, बताइए क्या तरीका हो सकता है इनके लिए कि लीड्स जनरेट की जा सके। वर्क तो समझ गए ना, इनका वर्क क्या है। अब आप इनका लीड मैग्नेट पहले सोचिए क्या हो सकता है, और फिर कौन सा तरीका अपनाया जाए, फेसबुक अपनाया जाए, यूट्यूब अपनाया जाए, कौन सा। तब तक मैं चार्जर लेकर के आता हूँ। तो कोई आइडिया मिला कैसे इनके लिए लीड जनरेट की जाए? एज अ डिजिटल मार्केटर आप लोगों के पास काफ़ी सारे आइडियाज़ होने चाहिए, काफ़ी सारी रिसर्च आप लोगों को करनी चाहिए। इन सब चीज़ों की बड़ी नीड है इसमें क्रिएटिव पीपल्स की, जो लोग क्रिएटिव तरीके से सोच सकें कि करना क्या है। जैसे मैं ग्रुप में कई जॉब शेयर करता रहता हूँ, पिछले 1 वीक में 10 से ज़्यादा जॉब शेयर किए हैं, और अभी भी 5 और जॉब्स हैं जो मैं आज से कल तक शेयर करूँगा। तो उन सभी जॉब्स में लोग तभी सिलेक्ट हो पाएंगे जब वो क्रिएटिव तरीके से एक बात समझ पाएंगे, वर्क करना कैसे है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या वर्क किया जाए। आप 5:30 वाले क्लास का वीडियो का लिंक 5:30 वाले ग्रुप में अनुज आ जाता है, एक बार चेक करना उसी में। 5:30 का ग्रुप अलग है। ओके, तो जैसे इनके लिए मान लेते हैं लीड जनरेट करना है, तो इनका जो बेसिक प्रोसेस है वो ये है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने देखो तो लिखा भी है फ्री डाउनलोड थीसिस करके। तो जो लोग PhD करते हैं उनको थीसिस बनानी होती है, थीसिस मतलब कुछ बड़ी बात नहीं, टेक्निकल जैसा नहीं है, उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई उनको कोई रिसर्च करना है। जैसे कोई कंप्यूटर साइंस में करना चाहता है तो थीसिस एक तरीके से 100-200 पेजेस का अपना पूरा एक बंडल जैसा होता है, उसको थीसिस बोलते हैं। इनके लिए जो लीड जनरेट करता है, अभी जिस स्टूडेंट में बात कर रहा था, उसका बेसिक प्रोसेस ये है कि लोग गूगल पे जाके इस तरीके से सर्च करते हैं कि कंप्यूटर साइंस में कोई PhD कर रहा है तो उससे रिलेटेड उसको थीसिस चाहिए, तो इस तरीके से जाकर के गूगल पे सर्च करता है कि थीसिस के क्या आइडियाज़ हो सकते हैं। एक वेबसाइट है कोरा करके,
वहाँ पर जाकर के लोग पढ़ते हैं जाकर के। हाउ डू आई सिलेक्ट माई थीसिस टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस, वाट कंप्यूटर साइंस टॉपिक कैन आई, वाट आर द सजेशंस फॉर थीसिस, इस तरीके से। तो यहाँ पे कई क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को लोग कोरा एक प्लेटफॉर्म में, बड़ा अच्छा और पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, आप लोग इसका जरूर यूज़ किया करिए, QURA कोरा करके। यहाँ पे क्या होता है, आपको क्वेश्चन लोग पूछते हैं और बाकी लोग उनका आंसर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कंप्यूटर साइंस के टॉपिक क्या लिया जाए, इसका इसका, और कई लोगों ने इन क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं। इंडिया के बाहर के भी लोग आंसर देते हैं, इंडिया के लोग भी आंसर देते हैं। तो इस कंपनी के लिए अगर लीड जनरेट करना है तो उसका तरीका ये है, कोरा पे जाकर के लगातार ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं। यहाँ पर जैसे अगर आप देखेंगे, ये टिप्स टेक्नोज करके देखो कोई कंपनी, इन्होंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। अब इस आंसर में देखो इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। लोग कोरा जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम लोग चलाते हैं, वैसे ये भी प्लेटफॉर्म लोग यूज़ करते हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म पे कोई आएगा, यहाँ पे ये फॉर्म फिल करेगा, उनके पास डेटा आ जाएगा। तो इनकी शुरुआत जो ये पर्सन है टिप टेक्नोज करके, इन्होंने कोरा पे कई क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे होंगे। तो टेक्निकली आपका काम ये होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने हैं। हालांकि इन्होंने तो ज़्यादा आंसर्स अभी नहीं लिखे हैं, सिर्फ दो तीन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं, लेकिन ऐसे ही आपको और भी आंसर्स लिखने चाहिए। एक दो एग्जाम्पल से और मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि किसी को MBA करना है और कौन से कॉलेज से MBA करे वो लेकर के कंफ्यूज है, तो कोरा जो वेबसाइट है उस पर कई लोगों ने आंसर दिया होगा कि मैंने वहाँ से MBA किया था, सही है कि नहीं है, ये देखो। तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके बारे में हो सकता है आप ना जानते हो, आपने कभी उसका नाम भी ना सुना हो, लेकिन उसको भी यूज़ करने वाले लाखों लोग होते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि क्या ऑनलाइन MBA करना एक अच्छा आइडिया है, यहाँ पर देखो कई लोगों ने उसका आंसर दिया हुआ है। ये देखो किसी ने आंसर दिया, ये किसी ने आंसर दिया है, ये किसी ने आंसर दिया है। अगर हम लोग देखेंगे आज तक इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने आकर के देखा है, तो यहाँ से हमें इसके स्टेट्स पता चल जाएंगे। इसको मैं नोट भी कर लेता हूँ। कोरा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ से देखिए 37,000 व्यूज़ आ चुके हैं आज तक इस क्वेश्चन के आंसर को, 37,000 से ज़्यादा लोग आकर के देख चुके हैं। तो कोरा एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ये तो एक क्वेश्चन था, ऐसे यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस हैं। तो आपका काम टेक्निकली ये होगा कि लीड जनरेट करने के लिए आप कोरा जैसे प्लेटफॉर्म्स में जाकर के आंसर्स लिखेंगे और उन्हीं आंसर्स को पढ़ करके लोग आपकी वेबसाइट पर आकर के विजिट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये जो ऋचा गोस्वामी करके पर्सन है, इन्होंने देखो इतना बड़ा आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसी आंसर में देखो नीचे इन्होंने अपना नंबर और ये सब यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आंसर लिखना बड़ा आसान काम होता है, यहाँ आंसर पे क्लिक करो और जो भी लिखना चाहो वो यहाँ पे लिख दोगे। तो अगर मैं इनकी प्रोफाइल को विजिट करके देखूँगा तो इन्होंने सिर्फ एक ही आंसर नहीं लिखा होगा, इन्होंने कई क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे होंगे। अभी इनकी प्रोफाइल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ही आंसर इन्होंने लिखे हैं अभी यहाँ पर, और हर आंसर के नीचे ये अपना नंबर और कंपनी का नाम लिख देते हैं। लोग यहाँ से आकर के कांटेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने आंसर्स लिखे हुए मुनीश कुमार करके हैं कि किसी कंपनी में जॉब करते होंगे, वहाँ पे इनका काम है कि कोरा पे जा कर के आंसर्स को लिखना, और उन आंसर्स को आकर के लोग रीड करते हैं और वहीं से इनको लीड्स मिलती हैं। तो ये सब लीड जनरेशन के तरीके हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से काम होता है, वैसे ही कोरा भी आपके पास एक तरीका है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। कोरा जैसे एक प्लेटफॉर्म रेडिट आता है, लोग उसका भी यूज़ करते हैं। तो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा भी इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका यूज़ अलग अलग टाइम पर किया जाता है। देन और लीड जनरेट करने के जो तरीके हैं उनमें से अगला तरीका आता है हमारा, इसको वैसे ऑफ पेज SEO बोलते हैं। SEO आप में से कई लोग जानते ही नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर भी नोट कर रहा हूँ। ऑफ पेज SEO का बेसिकली मतलब ये है यहाँ पर कि ऑफ पेज मतलब दूसरों की वेबसाइट पे काम करना है। मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। जैसे कोई स्कूल है वो लीड्स जनरेट करना चाहता है, तो वो ये कर सकते हैं कि जैसे स्कूल के लिए लोग गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट स्कूल इन कानपुर, या जिस शहर में वो स्कूल है उसके लिए लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं, और काफ़ी लोग सर्च करते हैं। पहले तो ये बात आप मानिए,
कि आजकल लोग गूगल पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर्च करते हैं, तो आपका काम लीड जनरेट करने के लिए ये होगा कि जैसे ये जो वेबसाइट है schoolmykids.com, इन्होंने कानपुर के 10 अलग अलग स्कूल्स के बारे में लिख रखा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया, ये schoolmykids.com एक वेबसाइट है जिसने कानपुर के अलग अलग स्कूल्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि ये कानपुर का एक स्कूल है जो कि बेस्ट है, सेकेंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, और ऐसे इन्होंने और भी कई स्कूल्स के नाम यहाँ पर लिख रखे हैं। अब इस वेबसाइट में आप करोगे क्या, आपका काम ये होगा कि इस वेबसाइट वाले से आप कॉन्टेक्ट करोगे, इससे बोलोगे कि आप हमारा नाम अपनी वेबसाइट में कहीं पर ऊपर मेंशन करिए। ये कोई स्कूल का नाम इन्होंने ये देख करके नहीं लिखा कि ये स्कूल अच्छा है इसलिए ऊपर लिखा है, इनको जो भी पर्सन पे कर देगा, रुपए दे देगा, उसका नाम ऊपर लिख देंगे। तो आपका ये काम होगा कि इनको या तो कुछ पेमेंट करके या कई और भी तरीके होते हैं जिनसे कि इस बात के लिए कन्विंस हो जाएंगे कि वो आपके स्कूल का नाम ऊपर लिख देंगे। तो ऐसे ही एक नहीं और भी कई वेबसाइट, जिनसे कॉन्टेक्ट कैसे करोगे, इसके लिए नीचे जाओगे तो इनकी ईमेल आईडी वगैरह मिल जाएगा, उस ईमेल आईडी में इनसे कॉन्टेक्ट करोगे। नीचे कहीं पर कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे जाकर के इनका नेम, नंबर, ईमेल्स वगैरह सब मिल जाएगा। तो ऐसे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जैसे ये एक दूसरी वेबसाइट है bestschool.net.in, allschoolcolleges.com ये एक वेबसाइट है, indiafamousfor.com एक वेबसाइट है। तो ऑफ पेज एसईओ में आपका काम ये होता है कि दूसरों की वेबसाइट से आपको कॉन्टेक्ट करना है और उनसे बोलना है कि वो हमारा नाम अपनी वेबसाइट पर मेंशन करें। धीमे धीमे जब आपका नाम कई लोगों की वेबसाइट पर आने लगेगा तो वहाँ से आपके पास लीड्स आने लगेंगी। ओके, तो ये मैंने कुछ आपको प्लेटफॉर्म्स बताए, ऐसे मैं और भी प्लेटफॉर्म्स आपको बताने वाला हूँ लीड्स जनरेट करने के। जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप बिजनेस के अकॉर्डिंग प्लान आउट करते हैं कि लीड्स कैसे जनरेट की जाएँ। ओके, तो उसके लिए फिर आपको कई तरीके की वर्किंग करना होता है। मेन तो आपके यही सब प्लेटफॉर्म होते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल वगैरह, लेकिन ये सब भी प्लेटफॉर्म से यहाँ से भी रिजल्ट्स आ जाते हैं। डन, तो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक था लीड जनरेशन एंड सीआरएम। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अनुज ने जैसे क्वेश्चन पूछा है, सर एक क्वेश्चन है, जैसे कोई इंश्योरेंस सेक्टर में है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इंश्योरेंस सेक्टर में लीड की जरूरत पड़ती है। तो अगेन जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में अगर देखोगे तो जो पॉलिसी बाजार वगैरह कंपनीज हैं, ये तो मेन इनका यही काम ही है, पॉलिसी बाजार एक कंपनी है इनका। देखो लीड जनरेट कर, इनके पेज को खोलते ही इनका लीड जनरेशन दिख जाएगा। ये मेनली ऑफर पे या कौन सी पॉलिसी बेस्ट है उस पर लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे मान लेते मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ये लोग गेट अप टू 600% ऑफ इंक्रीज इन योर हेल्थ इंश्योरेंस, तरीके से लिखा था। ये देखो इनका मेन लीड मैगनेट यही रहता है डिस्काउंट, हर चीज़ पे ये डिस्काउंट लिख देते हैं, वो हो चाहे ना हो डिस्काउंट, लेकिन वो यहाँ पे इसी बात पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि डिस्काउंट यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो पॉलिसी बाजार वगैरह के हम लोग पेज को फॉलो करेंगे तो पहला तो इनका लीड जनरेशन यही है कि डिस्काउंट देते हैं। दूसरा हम लोग जैसे कोई ई बुक दे सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी सिलेक्ट करें, इतने कॉस्टली कम बजट में बेस्ट पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करें, इसकी ये ई बुक है। इस ई बुक में इंडिया की टॉप 50 पॉलिसीज़ के बारे में लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें ई बुक बनानी पड़ेगी। फिर ई बुक को यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म से सर्कुलेट करेंगे, वहाँ से भी लीड्स जनरेट की जा सकती है। बेटिंग, तो ये सब तरीके यहाँ पे हम लोग इस सेगमेंट के लिए कर सकते हैं। ओके, सो और कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हालांकि वैसे तो लोगों को ज़्यादा लीड्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतना पॉपुलर हो जाती हैं टीवी वगैरह के ऐड से, लेकिन उनके लिए भी हम लोग कोई इस तरीके के लीड जनरेशन का प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे अगर आप हमारी ऐप पे आकर के भी साइन अप करते हैं तो आपको फ्री में कोई सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। हाँ